get into it. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैग एडवाइस। दोस्तों, आज बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की कुछ सिक्योरिटी के बारे में। व्हाट्सएप सिक्योर कैसे हो, क्या आप जानते हैं? जब आप पर्सनल में बातें करते हैं किसी अपने दोस्त से या किसी अपने किसी से भी रिलेटिव से, तो क्या आप जानते हैं कि हमारी जो चैट है वो कोई नहीं पढ़ रहा है? तो दोस्तों, आपको पता नहीं होगा शायद कि व्हाट्सएप बहुत जल्दी हैक हो जाता है, कोई भी हमारी पर्सनल बातें पढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप अपना व्हाट्सएप सिक्योर कैसे करेंगे जिससे कि कोई भी आपका व्हाट्सएप हैक नहीं कर पाए और आपकी जो पर्सनल चैट है वो कोई नहीं पढ़ पाए? तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपन करना है। जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको थ्री डैस यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर। जैसे आप थ्री डैस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है सेटिंग का। जैसे आप सेटिंग पे जाते हैं तो दोस्तों, एक ऑप्शन और आ जाता है अकाउंट का। जैसे आप अकाउंट पे जाएंगे उसके बाद में एक ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी का। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी देख लेते हैं। तो दोस्तों, सिक्योरिटी पे क्या आता है, सो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन। जैसे आप इसे ऑन कर देंगे तो दोस्तों, जैसे आपको दोस्त कोई नंबर चेंज करता है या फिर व्हाट्सएप ओपन करता है तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपका दोस्त का जो व्हाट्सएप है वो चेंज हो गया है, नंबर चेंज हो गया। तो आपको इसे ऑन रखना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अपना व्हाट्सएप सिक्योर कैसे करेंगे। तो दोस्तों, हमें तीसरे नंबर में मिलता है टू स्टेप वेरिफिकेशन। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ हमें इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे जाता है इनेबल का। दोस्तों, इनेबल करते ही हमारा जो व्हाट्सएप है वो सिक्योर हो जाता है। तो दोस्तों, सिक्योर जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं इनेबल, ठीक है, इनेबल के बाद में हमें एक यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डालना होता है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पासवर्ड, आप भी डाल देना। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड मांगेगा। ऐसे हम तीन छः अंकों का डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद में आपका कोई भी यहाँ पे ईमेल डालना है। अगर आपका ईमेल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऊपर एक स्किप का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे स्किप करेंगे, स्किप का ओके करेंगे। ठीक है, तो इसका दोस्तों इसका मतलब क्या है, जैसे आप फेसबुक ओपन करते हैं अपनी, तो फेसबुक के बाद ओटीपी आता है, अपना अकाउंट बनाते हैं फेसबुक पे तो उसको ओटीपी तो आता ही, उसके बाद आपको एक पासवर्ड भी डालना पड़ता है अपना जो चाहें सेलेक्ट करने के लिए। इसे आप डन कर लेंगे तो यहाँ पे आपका जो जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा। जैसे आप कभी भी आप किसी के फ़ोन में अपना व्हाट्सएप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी डालना हो। कोई भी अगर आपका व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश करेगा तो हैक तो हो जाता है, क्योंकि वो ओटीपी होता है, अपने नंबर पे मंगा लेता है और उसके बाद में ओटीपी डाल देता है। लेकिन ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे जो तुमने आप पासवर्ड डाला है भी, तो पासवर्ड नहीं मिल पाएगा उसे, तो वो हैक नहीं कर पाएगा। दोस्तों, हैक करने की यही ट्रिक होती है। तो ये अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो आपका व्हाट्सएप कभी हैक नहीं होने वाला। और दोस्तों, मैं इसमें दूसरी सेटिंग बताने वाला हूँ। अगर आप अपना नंबर बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुझे अपना नंबर किसी को देना ना पड़े, सब आप खुद ही पहुँच जाए, दोस्तों यहाँ पर आपको करना होगा चेंज नंबर पर। जैसे आप चेंज नंबर पे करते हैं, आपको नेक्स्ट करना हो, जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आप जो नंबर है अभी चला रहे हैं उसमें डाल देना ओल्ड नंबर। ठीक है, उसके बाद आपने जो नंबर चेंज किया है, न्यू नंबर है, तो यहाँ पे न्यू नंबर डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपका जो पुराना वाला है वो बंद हो जाएगा, न्यू वाला चालू हो जाएगा और सारे दोस्तों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि ये नंबर न्यू नंबर चालू हो गया है। तो दोस्तों, यही ट्रिक है जिससे कि आपको कहीं नंबर बांटना नहीं पड़ेगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा, खुद ही ऑटोमेटिकली नंबर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टेप और है इसमें, लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट हो अपना डिलीट अकाउंट करने में, अपना चाहते हो कि मैं अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करना चाहता हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इस पर भी एक वीडियो बना के दूंगा जिससे कि आप अपना अकाउंट डिलीट कर पाएंगे सक्सेसफुली। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।